फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जाने माने सितारे हुए हैं और आज भी है, पर दर्शकों को ऐसे सितारों से ज्यादा प्यार होता है जो फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल करके आते हैं। लेकिन मैं ऐसे स्टार की बात कर रहा हूँ जिसने फिल्म में आने से पहले तो स्ट्रगल किया ही, लेकिन उसके बाद भी उनकी फाइट खत्म नहीं हुई। पहले एक बैकग्राउंड डांसर, फिर 22 की उम्र में एक हिट फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू, बॉय नेक्स्ट डोर वाले लुक्स, जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस एक्टर की बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म इश्क विश्क से ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन इतने जबरदस्त डेब्यू के बाद शाहिद को 6 फ्लॉप फिल्मों का मुंह देखना पड़ा और इसी बीच किंग खान शाहरुख से कंपैरिजन ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। फिर फिल्म चुप चुप के से उनको अपनी दूसरी सक्सेस मिली। इसके बाद सूरज बजातिया की विवाह शाहिद की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, लेकिन वो अब भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पुख्ता नहीं कर पाए। एक फिल्म का हिट होना और 2-3 फिल्म का पिट जाना, इतने अप्स और डाउन से भरा हुआ है उनका करियर। फिर शाहिद के करियर ने वो टर्न लिया जिसने बॉलीवुड में उनको एस्टैब्लिश कर दिया, और वो टर्निंग पॉइंट था इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट, जिसमें उन्होंने अपने करियर का सबसे अलग रोल किया और सबका दिल भी जीता। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से तारीफ मिली और इससे शाहिद ने खुद को साबित भी कर दिया। होटल वाले सीन्स हो, अपने एक्स को बुलाने वाले सीन्स, या जब वो गीत को वापस लेने आते हैं वो वाले सीन्स, आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जहां इसके बाद सबको उम्मीद थी कि शाहिद का करियर अब रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन उनके करियर में एक हिट फिल्म और उसके बाद एक फ्लॉप फिल्म का दौर चलता ही रहा। इसी बीच विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने में वो डबल रोल में नजर आए और दोनों ही रोल्स में शानदार काम किया। दिल बड़े हड़प्पा, चांस पे डांस और पाठशाला और ऐसे कई सारी फिल्मों में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। 2013 की प्रभु देवा की फिल्म आर राजकुमार में वो एकदम अलग अवतार में नजर आए। ये उनकी पहली मास कमर्शियल मसाला फिल्म थी जिसमें उनका अंदाज बाकी फिल्मों से बिल्कुल ही अलग था। इस फिल्म के गाने गंदी बात और सारी के फॉल्सा के हुक स्टेप्स बहुत फेमस थे, और आखिर क्यों ना हो, ऐसे एक बेहतरीन डांसर और एक मशहूर कोरियोग्राफर का फिल्म बना रहे हैं और डांस अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यह फिल्म सबको पसंद भी आया। और फिर 2014 में वो विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में बड़े पर्दे पर आए, जो शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से इंस्पायर्ड थी और उनके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म थी। फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ की बैंग बैंग से था, लेकिन सबको लगा कि बैंग बैंग के सामने तो हैदर का टिकना नामुमकिन था, लेकिन हैदर उसके सामने डट कर खड़ी रही। हैदर बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही और शाहिद को फिल्मफेयर भी दे गई। इन माई व्यू इस फिल्म में उनका काम आज तक उनका बेस्ट काम था। हैदर के हिट होने के बाद उनके करियर का पैटर्न सेम ही रहा। आलिया के साथ उनकी फिल्म शानदार फ्लॉप रही, लेकिन उसके बाद आई उड़ता पंजाब, जिसमें वो एक ड्रग एडिक्ट रॉकस्टार का रोल कर रहे थे। इसमें उनको अपने कॉम्प्लेक्स रोल के लिए काफी तारीफ भी मिली। पद्मावत में वो पहली बार एक पीरियड ड्रामा में रणवीर और दीपिका के साथ दिखे। भले ही ये फिल्म रणवीर सिंह की थी, पर उनके किरदार रावल रतन सिंह ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीता। आखिर क्यों ना हो, आखिर इस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग तो उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से डिलीवर भी किया। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, डेट की नाव लेकर समुन्द्र से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। साल 2019 लेकर आया उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म कबीर सिंह, जो कि तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी के रीमेक होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने न सिर्फ 100 करोड़ बल्कि 200 करोड़ बनाई। कबीर सिंह एक गर्म मिजाज सर्जन की लव स्टोरी थी, जिसमें शाहिद ने शानदार तरीके से कबीर के इमोशनल जर्नी को स्क्रीन पर डिपिक्ट किया। ऑडियंस और क्रिटिक्स से उन्हें अपने रोल के लिए सराहना भी मिली। उनकी आने वाली फिल्म जैसी भले ही 2019 की तेलुगु फिल्म का रीमेक हो, पर शाहिद का अपना एक अलग चार्म है जो मुझे लगता है ऑडियंस के साथ काफी अच्छा कनेक्ट कर पाएगी। शाहिद हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके साथ ऑडियंस ने हमेशा एक स्पेशल कनेक्शन फील किया है। कुछ लोग उनके गुड लुक्स के दीवाने थे, कुछ उनके डांसिंग स्किल्स के, और कुछ उनके एक्टिंग के। ये कनेक्शन लोगों ने उनके आने वाली फिल्म जर्सी के साथ भी फील किया है, इसलिए मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीदें भी है। प्लस वो राज और डीके और विजय सेतुपति के साथ वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आई फील शाहिद का समय अब बदल रहा है। तो आपको शाहिद कैसे लगते, एक ओवररेटेड एक्टर या एक डार्क हॉर्स? मेरे लिए हमेशा से वो एक अंडररेटेड डार्क हॉर्स ही रहेंगे, जो बहुत अच्छे एक्टर और उतने ही जबरदस्त डांसर भी है। भले उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस कई बार गलत साबित हुई,
लेकिन शाहिद ने बहुत मेमोरेबल और चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, फिर चाहे वो इश्क विक्स से शरारती राजीव हो, जब वी मेट का सीरियस आदित्य, प्यार में पागल कबीर सिंह हो, या फिर इन सबसे अलग हैदर। वो इतने चैलेंजिंग रोल्स को काफी एफर्टलेसली प्ले करते हैं। क्या आप मेरे पॉइंटर से सहमत हैं या नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अब हम कोरा और ट्विटर पे भी मूवी रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, वहां पर भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।